नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। ईडी और आईटी भाजपा के अस्त्र और शस्त्र के सवाल पर जवाब, विजय शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस को बताया घोटालेबाज। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज एक दिवसीय प्रवास पर शक्ति जिला पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विजय शर्मा ने कोर कमेटी के सदस्यों को विशेष जिम्मेदारी देने के लिए ये बैठक ले रहे थे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को उन्हें चुनाव में कमर कसकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वर्तमान जांजगीर चांपा कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया के बयान, जिसमें उन्होंने ईडी और आईटी को भाजपा के अस्त्र शस्त्र की संज्ञा दी थी, इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस खुद घोटाले करती है, उन्हें कोयला घोटाला किया, महादेव ऐप घोटाला किया, जहां उनकी सत्ता है वहां पर घोटाले कर रही है, तो ईडी और आईटी कार्यवाही क्यों नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, 11 की 11 सीटों में भाजपा प्रचंड वोटों से जीत कराएगी। देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए इस बार अद्भुत परिणाम आपको समूचे देश में देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा देखा गया है विधानसभा चुनाव में, क्या लोकसभा में उसका असर रहेगा या फिर विधानसभा चुनाव के परिणामों से अलग मैं आपको निसंदेह ये बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम 6 से 7 विधानसभाओं में भारतीय आपके जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभाओं में से 6 से 7 विधानसभा भाजपा जीतेगी इस बार, और कुल मिलाकर के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने वाले हैं। उसके अपने कारण हैं, कार्यकर्ता भी अब कमर कस चुके हैं, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मोदी जी की सरकार बनानी है, मोदी जी की तीसरी सरकार में और बड़े फैसले होने वाले हैं ऐसा मोदी जी ने कहा है, और सब वो बड़े फैसले करवाना चाहते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ भैया कि मोदी जी ने विगत 2 कार्यकाल में जितने काम किए उसकी चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच में है, आने वाले समय में उन्होंने कहा कि और बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारे दिल में है वो बात कि ये फैसले और होने चाहिए, वो फैसले वो समझ रहे हैं, वो करेंगे। विष्णुदेव जी की सरकार जब प्रदेश में बनी है तो विष्णुदेव जी की सरकार ने 3 महीने में इतने काम किए हैं कि वो प्रतिमान बना है समूचे देश के सामने। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता के बीच जाएंगे। हाँ, जब होलोग्राम की गड़बड़ी करें, शराब का घोटाला करें तो ठीक, पकड़े जाएं तो गलत। जब वो कोयले का घोटाला करें और टन के पीछे 25 रुपया वसूली करें, प्रक्रिया को बदल दें, ऑफलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दें, वो सब प्रमाणित है, सामने है सबके, तो ठीक, कोई पकड़ ले तो गलत हो गया। महादेव सट्टा ऐप का पैसा खाएं तो ठीक, पकड़े जाए तो गलत हो गया। ऐसे थोड़े होता है भैया, ऐसे क्या पूरे भारतवर्ष में आप हिसाब लगा कर देख लें, क्या छत्तीसगढ़ में ही वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अन्य दूसरे राज्यों में नहीं थी? तमिलनाडु में किसकी सरकार है, आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, कबीरा केरल में किसकी सरकार है, वहाँ तो किसी ने कुछ नहीं किया। भाई गलती करोगे तो पकड़े ना जाओगे। कांग्रेस ने दलों से बड़ी संख्या में भाजपा में प्रवेश किया है, इसका कितना लाभ मिलेगा भाजपा को? जिनके मन में स्पष्टता है कि आने वाले समय में किस तरह से देश को आगे बढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल मोदी जी का हाथ थामना चाहते हैं, हाथ मजबूत करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं है, पीढ़ियां बदल जाती हैं परंतु भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प नहीं बदलता है। 1952 में कहा गया 370 हटा देंगे, 2019 में जाकर के 370 के अधिकतम प्रावधानों को हटा करके वहाँ पर शांति बहाल की गई है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जब बातें सबको स्पष्ट हो रही हैं तो लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, सारे अच्छे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। शक्ति में एक कांग्रेसी अधिकारी के नाम से फेमस हो गया, लोकसभा चुनाव को प्रभावित क्या भाजपा से? अभी मैं देखा नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है, पता कर लेते हैं जो भी होंगे। सर भ्रष्टाचार के बारे में, मतलब ये जो आपका शासन काल है वो